Hi there guys, Elza Khan here and welcome back to another new video. Today I have created the super duper dewy fresh makeup tutorial. So if you like this video then don't forget to hit that subscribe button below and give my video a thumbs up. So without any further ado, let's begin. So here I want to make my face look very very dewy. So here I am using 24K gold serum. You can go for any other serum. आपको अपनी स्किन को भी अच्छे से प्रेप करना होता है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस 24K गोल्ड सीरम. ये स्किन को भी मॉइस्चराइज कर देगा एंड इसमें जो गोल्ड लीव्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जब आप बेस अप्लाई कर लेते हो, ब्लेंड कर लेते हो, वो शाइन करते हैं विच लुक्स वेरी ड्यूई. सो हेयर आई वॉन्ट यू गैस इंट्रोड्यूस विद एन अमेजिंग प्रोडक्ट. यू कैन यूज़ दिस एज अ प्राइमर विच कंटेन्स SPF एंड यू गैस कैन सी जब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ मेरे फेस पे एक वाइट कलर की टिंट छोड़ दी है इसने. एंड दिस इज़ अमेजिंग प्राइमर. दिस इज़ लूशियस वाइटनिंग बेस विथ SPF. यू गैस नीड टू ट्राई दिस आउट. दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट. काफ़ी अच्छा प्राइमर है. यू कैन यूज़ इट एज अ SPF. ओके, हेयर आई एम यूजिंग हिमानी की बेबी क्रीम. जस्ट लुक एट दैट फुल कवरेज. लाइक दिस इज़ द बेस्ट बेबी क्रीम आई हैव एवर ट्राइड. 5-in-1 बेबी क्रीम है हिमानी की. यू गाइस कैन गो फॉर दिस. हाईली 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 रिकमेंडेड है. एंड मैंने यहाँ पे कंसीलर भी नहीं यूज़ किया. आई एम अप्लाइंग अंडर माय आईज एंड ऑन माय आईज एज द बेस एंड ब्लेंडिंग वाज गुड. यू कैन सी द डिफरेंस. इट ब्लेंड्स वेरी सीमली. लुक्स वेरी 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 नेचुरल ऑन योर फेस. और इसकी कवरेज आई वॉज इन लव विथ. That I have grabbed my beauty blender. All you need to do is just dab it into your skin. Foundation अच्छे से आपकी skin में जब बैठ जाएगा, set हो जाएगा, बहुत ज़्यादा natural लगता है. और skin के अंदर से जो shine होती है वो निकल के आती है. Try this hack out. Really going to love this. And can you look at that seamless finish? Like I love this. Totally 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 recommended. Here I'm using कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट माई बेस. लाइक दिस इज समर्स. स्वेटिंग होती होती है सो यू नीड टू फिक्स योर फेस विद कॉम्पैक्ट पाउडर. यू कैन ऑल्सो गो फॉर लूज पाउडर. जस्ट गो फॉर द प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन पर सूट करे. नेक्स्ट फॉर ब्राउज मैंने ब्लैक और ब्राउन कलर को मिक्स कर लिया है. पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं. उसको मिक्स करके विथ एन एंगल ब्रश आई एम फिलिंग माई ब्राउज. बहुत हैवीली नहीं फिल करना. नेचुरल ड्यूई सा मेकअप है. All you need to do, आपको बस आपके फेस को बहुत ज़्यादा फ्रेश और अवेक दिखाना है. दैट्स वाई डोंट गो फॉर वेरी बोल्ड और हैवी ब्राउज. फॉर आई मेकअप यू डोंट नीड टू अप्लाई एन सॉर्ट ऑफ बेस. जो आपके फाउंडेशन ब्रश पे एक्स्ट्रा था उसको ही अप्लाई कर लीजिए. यूज़ योर ब्राउन्जर फॉर योर ट्रांजिशन शेड. मैंने यहाँ पे ब्राउन्जर यूज़ किया है टू मेक माई ट्रांजिशन जस्ट परफेक्ट इन टू योर क्रीज लाइन. ब्रॉन्जर काफ़ी सॉफ्ट लगता है, नेचुरल लगता है और व्हेन द सनलाइट हिट्स ऑन योर आईज वो शाइन करता है विच लुक्स रियली ग्रेट. टेक वेरी लिटिल बिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेक श्योर दैट यू आर ब्लेंडिंग एवरीथिंग वेल. नेक्स्ट गो फॉर वेरी डिम लाइट ब्राउन कलर. बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए. लेस इज़ मोर रिमेंबर. उसको थोड़ा सा लिया है मैंने. आउटर कॉर्नर पर बफ कर रही हूँ. पहले आप डैप कर लीजिए कलर को, सेट हो जाए, देन स्टार्ट ब्लेंडिंग. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर ब्लेंडिंग इन सर्कुलर मोशंस. इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है. सो गाइस, ब्लू इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. नेक्स्ट आई एम यूजिंग डार्कर ब्राउन शेड. हेयर आई एम यूजिंग अ पॉइंटेड ब्रश टू जस्ट डायरेक्टली अप्लाई इट इन माई क्रीज लाइन. इसको मैंने पॉइंटेड फ्लफी ब्रश के साथ लिया है सो दैट ब्लेंडिंग भी हो सके. नाउ आई एम मिक्सिंग टू शिमर शेड्स. एक शैम्पेन कलर का है और एक लाइट ब्राउन है. मिक्स दिन बोथ एंड हेयर आई एम यूजिंग फ्लैट ब्रश टू अप्लाई दिस. ब्रश के साथ इसकी पिगमेंट्स इतनी अच्छी नहीं आ रही थी. देन आई यूज़ माई फिंगर्स. ऑलवेज यूज़ रिंग फिंगर ऑन योर आई एज इट कंटेन्स लेस प्रेशर. After that, grab any highlighter of your choice and just apply it in the center of your eyes to make them pop. ये आपकी eyes को highlight भी कर देगा and your eyes are going to look very wide. Next, I'm using eyeliner. छोटा सा विंग आई लाइन ड्रॉ किया है मैंने.
मिस रोज का इंक आईलाइनर है। गो फॉर एनी आईलाइनर यू आर कंफर्टेबल विद। जो पेन आईलाइनर होता है वो बिगनर्स के लिए थोड़ा सा इजी होता है कंट्रोल करने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग। आई एम डन विद फॉल्सीज हेयर, आई एम यूजिंग अ ब्रॉन्जर टू ब्रॉन्ज अप माय फेस। यू गाइस नो दैट हाउ मच आई लव ब्रॉन्जिंग एंड कंटूरिंग। आफ्टर फाउंडेशन एंड पाउडर आपके फेस को बैलेंस करना होता है। इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन कंटूरिंग देन यू शुड ब्रॉन्ज योर फेस। दिस वॉज द ब्रॉन्जर आई यूज ऑन माई आईज, यू गाइस कैन सी बहुत नेचुरल है। एंड दिस पैलेट इज़ एक्चुअली अमेजिंग पैलेट, यू गाइस शुड ट्राई दिस आउट। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द डिफरेंस बिटवीन कंटूर एंड ब्रॉन्जर इज़ ब्रॉन्जर थोड़ा सा शिमरी होता है, उसमें शिमर पार्टिकल्स होते हैं ताकि जब सनलाइट उस जगह पे हिट करती है वो बहुत नेचुरल लगता है ब्रॉन्जर। और कंटूर जो होता है वो फुल मैट होता है, और कंटूर्स आपके फीचर्स को या व्हाटएवर जो भी आपका एरिया है उसको पुश कर देता है बैकवर्ड्स ताकि आपका फेस स्लिम लगे, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू योर फेस। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग ब्रॉन्जर गो फॉर अ बिग फ्लफी ब्रश, और अगर आप कंटूरिंग कर रहे हैं तो एक छोटा सा ब्रश यूज़ कीजिए ताकि वो आपके चीक बोन में फिट हो जाए। कंटूरिंग के लिए मैंने अपने चीक बोन्स पे, फॉरहेड पे, चिन पे और नोज़ पे। इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन कंटूरिंग, आपको कंटूरिंग ब्रॉन्जिंग नहीं आती, तो आप सिर्फ अपनी नोज़ को एटलीस्ट कंटूर कर लें, बिकॉज अगर आपकी नोज़ कंटूर हुई भी लगती है आपका फेस पूरा जो है वो बैलेंस लगता है, एक स्ट्रक्चर में लगता है। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग मिस रोज ब्लश, आई एम इन द शेड 02। एंड फॉर हाईलाइटर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज़ क्रीम हाईलाइटर। जस्ट लुक एट द पिगमेंट, ओ माई गॉड गाइज, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस पैलेट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक दिस आउट। ऑलवेज यूज क्रीम हाईलाइटर विद अ बिग फ्लफी ब्रश एज आई एम यूजिंग। फ्लफी एंगल ब्रश है ये, एंड क्रीम हाईलाइटर जो होता है वो फिंगर्स से इतना अच्छे से नहीं अप्लाई होता, दिस इज़ माई ओपिनियन। एक्चुअली आई एम अप्लाइंग हाईलाइटर ऑन द यूजुअल हाईलाइटिंग एरियाज लाइक चीक बोन्स, ब्राउ बोन, फॉरहेड, सेंटर ऑफ माई नोज। नाउ आई एम यूजिंग अ पाउडर हाईलाइटर टू सेट दैट क्रीम वन। फैन ब्रश यूज़ किया है एंड लुक एट द पिगमेंट, इजंट दैट आई कैचिंग, आई लव दिस सो मच। एक्चुअली सिल्वर हाईलाइटर जो होता है वो एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है, इट मेक्स योर फेस ग्लोई एंड बहुत अवेक सा लुक आता है। फैन ब्रश साथ इसको मैंने अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ पे क्रीम हाईलाइटर लगाया था वहाँ पे इसको अप्लाई किया है। आई एम यूजिंग सनोरा लिप पेंसिल टू लाइन माई लिप्स, दिस इज़ शिमरी ऑरेंज कलर। जो पेंसिल है वो शिमर है, मल्टीपर्पज पेंसिल है सनोरा की, शेड जो था वो मुझे नहीं याद था, सॉरी फॉर दैट, बट द कलर वॉज वेरी गॉर्जियस। फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग मिस रोज लिपस्टिक, शेड वॉज 40 इन हार्ट। काफ़ी प्यारा सा ये कलर है, ऑरेंजेस एंड पिंक्स का, द मिडिल ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, लाइक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। आप मिस रोज की जो लिपस्टिक थी दिस वॉज सच अ गुड लिपस्टिक एन अफोर्डेबल प्राइस। एंड या हेयर इज़ द फाइनल लुक। सो आई विल कैच यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।